किसानों की बहुत सारी समस्याओं के संबंध में, विशेषकर सरकार ने जो भी आयात पे निर्यात पे जो रोक लगाई है उससे गेहूँ की मंडियों में गेहूँ का रेट कम हो गया। हम चाहते हैं कि सरकार वापस से उसको चालू करें। दूसरा कि सरकार ने ब्याज जो है सोसाइटियों में बिल तो कट गए, सोसाइटी के साथ किसानों का पैसा भी कट गया, इसके बाद भी किसानों पर ब्याज ठुक रहा है, उस संबंध में सरकार को हमने निर्देशित किया है। ज्वार का पैसा आज 6 महीने हो गए, 1000 रुपये आज भी तक भी नहीं आया, 1750 रुपये आया है। वहाँ से चल के बिजली की तार कहीं झूल रहे हैं, कहीं खंभे टूट रहे हैं, लेकिन आज तक 50 साल हो गए बिजली विभाग कभी उनकी सुध नहीं ले रहा। और मूंग खरीदी को लेकर पिछले बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे तत्काल में सरकार ने खरीदी और रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए थे, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जिन किसानों ने मूंग नहीं भी लगाया था उन्होंने भी बाद में मूंग का रजिस्ट्रेशन करवाया था, उससे जिन ने लगाया था उनको बड़ी दिक्कत आई थी। तो हम चाहते हैं कि सरकार अभी मूंग किसानों के खेत पे खड़ा है वास्तविकता को सत्यापित करके और जल्दी से जल्दी पंजीयन करके मूंग खरीदी की घोषणा करें। और भावांतर जो 2018 में सोयाबीन पे भावांतर राशि की जो योजना करी थी उसके बाद सरकार बदल गई, लेकिन सरकार बदल तो गई लेकिन किसानों को बेचारों को आज तक उस 500 रुपये का बोनस नहीं मिला। 160 रुपये 2018 का गेहूं का बोनस रुका है। ऐसी 4-5-6 समस्याओं के बारे में आज हमने SDM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।